हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्टकट किचन। आज हम बनाने वाले हैं चीज़ क्रीम की रेसिपी। कई लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि आप चीज़ क्रीम का रेसिपी हमें बताइए, तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के सामने चीज़ क्रीम का रेसिपी लेकर आई हूँ। ये हमें कई चीज़ में यूज़फुल होता है। हम इसे केक्स में यूज़ कर सकते हैं, पेस्ट्रीज में यूज़ कर सकते हैं, बिस्किट्स में यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप और हम मिलकर बनाते हैं चीज़ क्रीम। ये हमने आधा लीटर दूध लिया है। अब हम इसे अच्छे से गरम कर लेंगे एक उबाल आने तक। एक उबाल आने के बाद हम इसे बंद कर देंगे। देखिए, हमारा दूध अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसे स्टेज पे बंद कर देंगे गैस को, और 5 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे इसे। देखिए, 5 मिनट हो गया है, हमारा दूध हल्का सा ठंडा हो गया है। अब हम इसे फाड़ेंगे। मैंने एक और आधा नींबू का रस इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो इसे विनेगर से भी फाड़ सकते हो। एक ही बात है, जो आपके पास हो आप उससे इसे फाड़ सकते हो। अब ये धीरे धीरे अपने आप फट जाएगा क्योंकि ये गर्म है। देखिए, 2 मिनट में ये कितना अच्छा कर्डल हो गया है, ये पूरा फट गया है। अब हम इसे एक खाली बर्तन लेंगे, उसमें कोई भी इस तरह का कपड़ा लगाएंगे, मलमल का या कोई भी कॉटन जो आपके पास हो। उस तरह से मैंने ये हैंकी लिया है नया, इसमें अब हम इसे छान देंगे। अब हमें इसे ये उठा लेना है इस तरह से थोड़ा, ताकि इसका शेप अच्छा आ जाए, राउंड राउंड। ये पानी निकालना है पूरा। ये पानी हमें फेंकना नहीं है, ये बहुत ही यूज़फुल पानी होता है। इससे हम चाहे तो आटा गूंथ सकते हैं, कोई भी तरह का, नान का, रोटी का। अगर नहीं हो तो आप इसे सब्जी में भी, ग्रेवी में यूज़ कर सकते हो पानी को। अब हमने ये नॉर्मल पानी लिया है, बिल्कुल प्लेन। इसमें हम इसे यूं डुबो देंगे ताकि इसका खटास निकल जाए कोई भी तरह। देखिए, ये हो गया अच्छे से। अब हमें इसे अच्छे से यूं प्रेस करके पानी निकाल देना है इसका। अब हमें अपना पनीर जो हमने निकाला है वो इस तरह से एक मिक्सर जार में डाल देना है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक हम बिल्कुल स्वाद अनुसार लेंगे। मैंने 1/4 चम्मच लिया है, और अब हमें इसे अच्छे से मिक्सी में पीस लेना है। पीसने के बाद ये इस तरह लग रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून पानी का। फिर से इसे हम चलाएंगे। ये इस तरह से पीसने के बाद ये हो जाएगा इतना फ्लफी। हमें 5 मिनट लगा इसको पीस के इस तरह का रेडी करने में। अब हम इसे फ्रीज में रख देंगे तो ये थोड़ा और टाइट हो जाएगा, और हम इसे 2 से 3 दिन तक स्टोर करके यूज़ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए कितनी आसानी से हमने घर पर चीज़ क्रीम बना लिया है। तो आप चाहिए तो आप इसे केक्स में यूज़ कीजिए, आप कई तरह के इसके सैंडविचेस भी बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।